दिल्ली के शाहबाद डेयरी के साक्षी हत्याकांड में अब पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर आ गए हैं। आक्रोशित लोग अब सड़क पर उतरकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आरोपी की सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को हुए तमाम राजनीतिक प्रकरण के बाद बुधवार को लोगों ने विरोध स्वरूप कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च शाहबाद डेयरी के मेन बस स्टैंड से शुरू हुआ, जिसके बाद यह मार्च विभिन्न गलियों से होती हुई गुजरी। यह कैंडल मार्च इलाके के ही स्थानीय लोग और कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस दौरान मार्च में शामिल लोग आक्रोशित माहौल में दिखाई दिए। हाथ में मोमबत्ती लेकर पूरे इलाके में कैंडल मार्च निकालते हुए मृतक साक्षी की आत्मा की शांति की मांग की। साथ ही साथ आरोपी साहिल के खिलाफ जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। बेटे हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, साक्षी के हत्यारों को फांसी दो सरीखे नारों से लोग अपना आक्रोश दिखाते दिखे। इस दौरान लोगों ने कहा कि जब तक आरोपी को फांसी की सजा नहीं होगी, तब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और यह आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। लोग ये मांग करते हैं कि कब तक हमारी हिंदू बहनों के साथ ये सब होता रहेगा, कब तक? आज साक्षी के साथ हुआ है, पहले भी आगे होता रहा है, हमारी बहन को न्याय कब तक मिलेगा? इन जिहादियों को कब तक सरकार छूट देगी? इन जिहादियों को फांसी क्यों नहीं दी जाती? मेरा कहना ये है और मैं ये चाहता हूँ कि अभी भी हम नहीं जागे तो आगे भी नहीं जाग पाएंगे। मेरा साफ कहना है कि अगर हमारी माँ बहनों के ऊपर कोई उंगली उठाता है जिहादी, तो उसका हाथ पार दो, कोई आँख उठाता है तो आँख फोड़ दो। सजा की क्या मांग करते हैं, क्या सजा होनी चाहिए? फांसी की सजा होनी चाहिए बीच रोड पे लाकर। और सर बस सब स्टैंड पूछिए मत, अगर वो सामने आ जाए ना तो हम उसे जान से मार दे, कोई बात नहीं है। मैं अगर खुद फांसी हो जाए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो बेटी जिसके चाकू मारे है ना, वो दर्द हम एहसास कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको 41 नाखून में लग जाता है तो कितना दर्द होता है, और उसको तो 41 चाकू मारे, उसको शर्म नहीं आई है? जब पहली बात तो ये है कि वो टारगेट बनाई गई है बच्ची है, उसको 15 दिन पहले से रोहिणी से ही चाकू खरीदा गया उसको मारने के लिए, उसको एक लीफ प्लान से ही काम किया गया है। क्यों हमारी लड़कियां टारगेट बनाई जा रही है भाई? क्यों रुद्राक्ष पहन करके क्यों अपने मजहब दिखाते हो कि हम लोग मोमडन है, बहुत सच्चे मोमडन है? किस चीज के हो भाई तुम मोमडन, जब तुम हमारा रुद्राक्ष पहनते हो और कलावा पहन करके लड़कियों को हिंदू नाम बता करके फंसाने की कोशिश करते हो, और अगर वो नहीं फंसती तो उन्हें जान से मार देते हो। साक्षी बेटी के लिए ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, जिसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि साक्षी की जो हत्या की गई है वो एक प्लान के मुताबिक की गई है, उसको फांसा गया है। प्यार एक तरफ का नहीं होता है, प्यार के चक्कर में उसको फांसा गया है साक्षी को, और ये प्लान 15 दिन पहले ही किया गया था। साहिल जैसा हत्यारा, उसने इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किया है और वहाँ लोग देख के तमाशा देख रहे हैं, वो मर्डर कर रहा है, चक्कू से वार किए जा रहा है, फिर भी वहाँ लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। क्यों आज हम गए हैं वहाँ पे साक्षी के घर पे भी, वहाँ से एक ही वो निकला कि वहाँ का एक डर का खौफ था। वो डर का क्या खौफ क्या था? आधे कैमरे गए वहाँ पे, MLA का ऑफिस भी सामने है, वो कैमरे क्यों नहीं ओपन हो रहा? उधर आज साक्षी के वहाँ पे भी कैमरा है, वो कैमरा क्यों नहीं ओपन किया जा रहा? तो ये कहते हैं उसको फांसी नहीं, जहाँ पे साक्षी का कत्ल होया है, जहाँ चक्कू घोपे गया है, वहाँ पे उसको साहिल को जनता के हवाले करें, और सारी बेटियाँ आके साहिल को उतने ही चक्कू घोपे जितने उसने साक्षी से घोपे थे।